हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने ब्लॉग का जो शुरुआत है शुरुआत तो मेरी ब्लॉग एक ब्लॉग मैंने बनाया अभी डाला है, दूसरा अभी मैं बना रही हूँ और अभी बनाने जा रही हूँ मैं रोटी। क्या सुबह रोटी ही बनाई थी, मैं डेली चावल बनाती थी लेकिन आज बनाई रोटी, आज चावल नहीं बनाए। हस्बैंड अभी गए हैं दुकान खोलने, तो जब तक वो दुकान खोल के साफ़ सफाई कर लेंगे क्योंकि अब वहाँ के नहीं गए हुए ऐसे ही गए हैं, तो साफ़ सफाई कर लेंगे फिर मैं इधर मेरा रोटी बन जाएगा, फिर नहा कर मैं भी पूजा कर लूँगी जल्दी से, उसके बाद मैं चली जाऊँगी दुकान में, वो आके अपना ऊपर खाना खा लेंगी, उनका खाना वाना मैं सब निकाल कर जाऊँगी। तो बस आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अंशु की हो रही है तबीयत खराब, तो उसको मैंने दी है थोड़ी सी घरेलू दवाई से ही, जो उसका निमोनिया है वो ठीक होता है, उसको बहुत जल्दी जल्दी निमोनिया हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको घरेलू दवाई देती हूँ, लहसुन अजवाइन ये सब पका कर, लौंग काली मिर्च भी, तो थोड़ा सा मैंने उसके चेस्ट पर मसाज किया है, फिर से करूँगी। पहले मैं सोच रही रोटी बनाकर फ्री हो जाती इधर, कपड़े धुले भी मैंने, कपड़े धुल के कपड़े डाले सारे घर में, पोछा लगाई, बस बस थोड़ा सा मेरा टाइम, मुझे टाइम लग जाएगा नहा कर पूजा करने में, बस मैं वहाँ तो पूजा भी भगवान जी का शॉर्टकट में भी कर लेती हूँ। रोटी मैं बनाऊंगी सिर्फ अभी के लिए, सुबह के लिए रोटी सुबह करी, दोपहर के लिए मैं बनाऊंगी बाद में। अंशु खाना कब खाओगे? बेटा भूख नहीं लगी है, एक रोटी खा लो जैसे भी करके, केले की सब्जी है, करेले का भुजिया है खट्टा खट्टा, हैं खिचड़ी तो तुम खाओगे नहीं, गरम कर दूंगी, हाँ सब कुछ है, चटनी है, पापड़ है, चोखा है, सब है। चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ, मैं बातें करती रहेगी, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने ब्लॉग शुरू कर रखा है, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।